चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार जुड़ेंगे सभी। चलिए जुड़ेंगे सभी फटाफट। चलिए, आज मैराथन के अंदर मेजरमेंट में देखूंगा बहुत सारे न्यूमेरिकल्स और यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5 के कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन सारे चीज़ों की डिस्कशन यहाँ पे होगी। फटाफट ज्वाइन करें सेशन को और हम सेशन की शुरुआत करते हैं। नवल किशोर यादव जी, गुड मॉर्निंग। चलिए फटाफट सेशन को सभी ज्वाइन करेंगे। गुड मॉर्निंग यू ऑल, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। नवल पांडे जी, गुड मॉर्निंग। सो फटाफट सभी सेशन को ज्वाइन करेंगे। आज मैं क्या क्या देखने वाला हूँ इसकी बात कर लेता हूँ एक बार। इस सेशन में क्या क्या डिस्कस करने वाला हूँ, इस सेशन में मैं क्या क्या डिस्कस करने वाला हूँ इनकी भी चर्चा करूँगा। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बिट्टू कुमार, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए मैं बात करूं, राम राम जी, राम राम। स्कोर लाइव बाय अंकित भाई। चलिए बिट्टू, सो खुशी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आइए सो फटाफट आज सेशन की शुरुआत कर लेते हैं, है ना। हमारा इसमें टारगेट क्या है, यहाँ देखिएगा। मेजरमेंट के अंदर मैं न्यूमेरिकल यूनिट 2 देखूंगा, 3 देखूंगा और 4 का देखूंगा, है ना। यूनिट 2, 3, 4 एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अपने को देखना है किससे, यूनिट 3 से, क्योंकि 2 का भी देख लिया था, और यूनिट 4 से भी और यूनिट 5 से भी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपने को यहाँ से भी देख लेना है एक बार, ओके। और इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज को भी यहाँ से कलेक्ट करने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए सेशन की करते हैं शुरुआत। सभी जुड़ जाएंगे धीरे धीरे, है ना। रोज में 5 मिनट लगभग लेट आता था, आज 1 मिनट पहले आया हूँ, ओके। चलिए, तो किसी के कोई कंप्लेन नहीं होनी चाहिए। नौ यूनिट 1 हमने देखा, नो न्यूमेरिकल, इसमें कोई न्यूमेरिकल भी नहीं है। चलिए मैं बात करूँ यूनिट 2 की, तो यहाँ पे आपको यूनिट 2 में थ्योरी के बाद पोर्शन को तो हमने देखा, बट इसमें न्यूमेरिकल्स रह रहे हैं। यूनिट 2 के अंदर हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन रह रहे हैं और कैसे ऑब्जेक्टिव होगा, हम इसकी भी चर्चा आज करने वाले हैं। नाउ सिमिलरली मैं जाऊंगा यूनिट 3 पे एंड यूनिट 4 पे, तो इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देख रहे हैं यूनिट 3 से और यूनिट 4 से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन और न्यूमेरिकल भी, यहाँ भी न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेगा और यहाँ भी आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा, इसमें भी न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेगा, ओके। इसमें भी आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सो और भी चीज़ों की डिस्कशन होगी यहाँ पे। तो बात क्या होगा कि पॉइंट आज क्या रहने वाला है हमारा, अगर आप बात देखोगे यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो इस सेशन में हमारा इम्पोर्टेंट क्या है आज, इस सेशन में मैं बात कर देता हूँ एक बार। मुझे यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो आज का है, इम्पोर्टेंट बातें हैं, पहला न्यूमेरिकल मैं देखूं कराऊंगा यहाँ पे,
न्यूमेरिकल की चर्चा होगी, प्लस यूनिट 2, 3, 4 की थ्योरी का डिस्कशन होगा। ओके एक बार जुड़ेंगे सभी। एक्चुअली शायद कोई ट्रांसफार्मर में फॉल्ट हुआ जिसके कारण पूरा लाइट भी एकाएक शट डाउन हो गया और हैवी लोड चल रहे थे तो इन्वर्टर पे इतना ज़्यादा लोड हो गया कि एकाएक इन्वर्टर भी काम नहीं किया, इसीलिए इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया। ओके और एक बार इंटरनेट डिस्कनेक्ट होने के बाद कम से कम 30 से 40 सेकेंड का वक्त ले लेता है, सो गैप हो गया। कुछ हेल्प 6 सेमेस्टर। ओके सर वीडियो रुक गया है, अभी तो नहीं रुका होगा, अब तो रुक नहीं नहीं रुका होगा। एक्चुअली एक फॉल्ट आया जो आगे आपको ट्रांसमिशन लाइन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी फॉल्ट पड़ना पड़ेगा। यही इस टाइप के कुछ ऐसे फॉल्ट हो जाते हैं जिसके कारण सडन डिस्टर्ब होता है आपका सिस्टम। ओके तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं यानी अपने मेजरमेंट का, लेकिन कोई ऐसा हैवी फॉल्ट आया जिसके कारण हैवी इन्वर्टर पर इतना ज़्यादा लोड हुआ कि ये भी एकाएक के लिए फ्लक्चुएट, एक बार में फ्लक्चुएट हुआ, तो फॉल्ट का असर किस तरीके से होता है, सडन टिस से ट्रांजिएंट होते हैं, लोड का कैसा इंपैक्ट होता है, ये आगे के सेमेस्टर में आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। आइए जी। नो सर। ओके तो अब आ चुका होगा, अब आई होप कि आपको वीडियोस दिख रहे होंगे अब प्रॉपर वे में। चलिए फटाफट जुड़ जाइए, फटाफट जुड़ जाइए। चलिए सर फोर्थ सेम का फी कितना होगा, मेरे यहाँ फी वेरिएशन नहीं करेगा, मैं फी एकदम कोशिश करूंगा कि हमारे सारे स्टूडेंट उस फी को एफर्ट्स कर पाए, है ना। तो फोर्थ सेमेस्टर का फी 2000 से ज्यादा मैं नहीं रखने वाला हूं, सिर्फ 2000 सभी बच्चे ताकि ज्वाइन कर पाए इस सेशन को। ओके तो ये ध्यान रखना एकदम, ना उससे बढ़ेगा ना उससे घटेगा, 2000 रहेंगे, आप लोग इसको इनरोल कर सकते हैं। 26 से हमारा नया सेशन स्टार्ट होगा। चलिए चलिए फटाफट ज्वाइन करेंगे सेशन को। यस आ चुका है अगेन, मैं बात कर रहा था, अगेन मैं बात कर रहा था, एकदम हमारा फीस इस तरीके से रहेगा कि किसी पे कोई बर्डन ही ना हो कभी, ध्यान रखिएगा ये हमेशा ध्यान रखना है। और हमारे पास जो है फोर्थ सेमेस्टर में रिकॉर्डेड के साथ साथ लाइव क्लास भी चलेंगे। इस बार पूरा प्रोविजन है कि रिकॉर्डेड के साथ साथ हम लाइव भी देंगे, डॉट सेशन भी होगा जिससे कोई कन्फ्यूजन ना हो। इस बार थोड़ा एग्जाम पहले हो जाएगा, हो गया तो इतना चीज़ें हम नहीं कर पाए, पर इस बार हम क्लास भी बहुत पहले से स्टार्ट करने वाले। ओके यस सर हम जैसे स्टूडेंट के लिए ही सहारा है, बिल्कुल एकदम, अभी भी क्लास आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। सो बीच में एक लाइट के डिस्कनेक्शंस के कारण पूरा सिस्टम बंद हो गया था 30 सेकंड के लिए, अगेन मैं स्टार्ट लाइव हो चुका हूँ, सो जुड़ जाएं आप सभी। ओके ऐसा कोई बात नहीं। चलिए नौ, मैं बात करूँगा यहाँ पे इम्पोर्टेंट की बात, क्या 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 डिस्कस करने वाला हूँ। आइए यहाँ पे मैं बात करूँगा ना इम्पोर्टेंट के बारे में, तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ न्यूमेरिकल्स, क्या बात करूँगा न्यूमेरिकल की, प्लस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यूनिट, आप कह सकते हो यूनिट 2 का हो चुका, 3, 4, 5 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, प्लस यहाँ पे फॉर्मूला कराऊंगा, फॉर्मूले इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, इन सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी होगा इनकी चर्चा यहाँ पे मैं करूँगा। एकदम फोर्थ सेमेस्टर से बेसिक से स्टार्ट होगा, डोंट वरी एकदम बेसिक से स्टार्ट होगा।
चलिए सर, यहाँ मैं बात कर लूँ ना कि सबसे पहले सर यूनिट 3, 4, 5, 6 में हमारा कौन कौन सा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा जो थियोरटिकली आप कर सकते हो। कल मैंने PDF दिया था, उसमें 1, 2, 3, 4 चार यूनिट तक का उसमें PDF कंप्लीट बना हुआ है, तो उसको बार बार दिखाने से अच्छा आप लोग करेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में बता दूंगा। अगेन मैं बात करूं सर, न्यूमेरिकल इससे करा दीजिए और फॉर्मूला करा दीजिए, तो बारी बारी से आप लोग वेट करिए। मैं यहाँ पर पहले इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज फॉर, यहाँ पर पहला इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बनेगा इम्पोर्टेंट फॉर्मूला को कलेक्ट करता हूँ, फॉर्मूला को कलेक्ट करता हूँ किसके लिए, न्यूमेरिकल्स के लिए। और कौन सा यूनिट का होगा सर, ये यूनिट 2 होगा, ये कौन सा होगा सर, यूनिट 2 होगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल सर, बैक वाला कंटेंट रहेगा ना, बिल्कुल बैक वाला ऐड कर देंगे आप लोग के लिए, टेंशन फ्री रहिएगा, है ना। जिनका कमज़ोर हो चुका है नेटवर्क कहीं भी पढ़ने के कारण या कुछ नहीं कर पाए आपने, तो हम नेटवर्क का पूरे जिम्मेवारी लेते हैं, क्योंकि नेटवर्क आपको बहुत स्ट्रांग करना है। इवन मशीन, हालांकि DC का फर्क AC पे असर नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी ट्रांसफॉर्मर का इम्पैक्ट पड़ेगा आपका आगे के एग्जाम में। ओके चलिए, नाउ इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज फॉर यूनिट 2 क्या है और इसके न्यूमेरिकल्स, एंड इसके आपको देखना क्या है जी, न्यूमेरिकल्स। इसके न्यूमेरिकल्स चलिए, पहला सर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का जो फॉर्मूला बना था ना, आपको डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का जो फॉर्मूला बना था सर, वो फॉर्मूला था BINA, है ना। ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का जो आपको फॉर्मूला बना था वो क्या बना था जी, BINA, है ना। और ये फॉर्मूला से आपके क्वेश्चन बनेंगे, जहां बी क्या था सर, आपकी बात करो तो मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, आई था करंट, और एन क्या है सर, नंबर ऑफ टर्न्स, एंड ए क्या था, एरिया। तो यानी इनमें भी बहुत चीज को अगर मैं कॉन्स्टेंट मान लूँ, तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हम ये बोलते थे करंट के समानुपाती होता है, करंट के समानुपाती होता है किसमें सर, डीसी इंस्ट्रूमेंट, डीसी एमिटर और वोल्टमीटर के, PMMC के लिए, यूनिट 2 की बात कर रहा हूँ, PMMC के लिए आपने देखा होगा पहला ये फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला की मैं बात कर लूँ यहाँ पे, दूसरा फॉर्मूला सर कंट्रोलिंग टॉर्क का जो फॉर्मूला था ना, वो KC × θ था। कंट्रोलिंग टॉर्क का जो फॉर्मूला था वो क्या था सर, KC × θ था, जहाँ पे KC क्या है, हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट है, जहाँ पे KC क्या था जी, स्प्रिंग कांस्टेंट है। थीटा क्या है, डिफ्लेक्शन एंगल है, क्या है सर, थीटा क्या है, डिफ्लेक्शन एंगल है। TC क्या था, कंट्रोलिंग टॉर्क था, TC क्या था, कंट्रोलिंग टॉर्क था। ओके तो ये फॉर्मूला कुछ हमारा इस तरीके से दो फॉर्मूला है। तीसरा फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा यहाँ पे, रेंज एक्सटेंशन की अगर बात हुई थी, है ना, रेंज एक्सटेंशन। एक और मैं बता देता हूँ कि फाइनली आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो है वो किसके प्रोपोर्शनल बना था, थीटा के। यूनिट 2 की बात हो रही है, यूनिट 2 में PMMC का जो रेंज एक्सटेंशन, डीसी एमिटर और डीसी वोल्टमीटर की चर्चा हुई थी, उसके सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला की बात कर रहा हूँ। पहला फॉर्मूला जिस पे आपके न्यूमेरिकल बनेंगे, क्वेश्चन बनेंगे, आपको याद रखना है डायरेक्ट BINA, किसी लड़की का नाम भी आप याद रख सकते हो BINA, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का इक्वेशन BINA से बना था, इस पे MCQ बनेंगे, क्वेश्चन भी बनेंगे। दूसरा TC, कंट्रोलिंग टॉर्क जो होता है KC × θ, जहाँ पे KC क्या है जी, KC की बात करें तो हमारा है यहाँ पे स्प्रिंग कॉन्स्टेंट, यहाँ पे क्या है जी, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट, ठीक है ना। तो यहाँ इनकी भी चर्चा होनी चाहिए आपको, ठीक है। और कई बार आपको केसी का यूनिट पूछ देता है, केसी का यूनिट पूछ देता है जी, केसी का यूनिट क्या होगा, तो केसी बराबर टीसी बाय थीटा यानी न्यूटन। यहाँ मैं बात करूँ केसी TC × θ, चलिए तो टॉर्क का होगा न्यूटन मीटर बाय रेडियन। ये भी कई बार यूनिट पूछता है, ये भी कई बार आपसे यूनिट पूछ लेता है, ध्यान रखना। ओके, ये भी कई बार यूनिट पूछ लेता है। चलिए नौ, तीसरा ये चौथा क्वेश्चन का फॉर्मूला इसका क्या बनेगा,
चौथा अगर बात करोगे, फोर्थ फॉर्मूला बनता है इंपॉर्टेंट हमारे यूनिट टू से, जो न्यूमेरिकल हमारा बनेगा न्यूटन मीटर पर रेडियन, बिल्कुल बिल्कुल यूनिट टू से जो हमारा और बनेगा सर, रेंज एक्सटेंशन मल्टीप्लायर, यहां पे क्या है मल्टीप्लायर का फॉर्मूला आपको एक बनता है, टोटल करंट बटा मीटर में जाने वाला करंट, क्या होता है सर टोटल करंट बटा मीटर में जाने वाला करंट, और इन टर्म्स ऑफ मल्टीप्लायर अगर बात करोगे इसके टर्म में बात करोगे रेजिस्टेंस के टर्म में, तो क्या था 1 प्लस Rm बटा Rsh। दो फॉर्मूला था रेंज एक्सटेंशन का, दो फॉर्मूला था रेंज एक्सटेंशन का, ये किसके लिए था सर एमीटर के लिए, सर ये किसके लिए था एमीटर के लिए, एमीटर के लिए, ओके ये किसके लिए था जी एमीटर के लिए, ठीक है ना। और एमीटर में रेंज शंट वायर यूज किया जाता था, एमीटर के लिए एक मीटर रेजिस्टेंस था, एक एमीटर था, और रेंज एक्सटेंशन के लिए आप शंट वायर का इस्तेमाल करते हैं। देखिएगा जो मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ ये आपको काम आएगा, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अनगिनत बनेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अनगिनत बनेंगे। नाउ सर ये एमीटर था, ये मीटर का रेजिस्टेंस था, और ये इसका शंट रेजिस्टेंस था, तो रेंज एक्सटेंशन के लिए क्वेश्चन भी पूछता है, एमीटर का अगर रेंज एक्सटेंशन करना है तो शंट वायर हमेशा लगेगा, क्या लगेगा शंट वायर मतलब पैरेलल में, एमीटर के पैरेलल में, ताकि मैक्सिमम करंट क्या कर पाए बायपास कर पाए। और देखिए इस फॉर्मूला को अच्छे समझ लीजिए, टोटल करंट जो है ये टोटल करंट इंडिकेट करता है, और मीटर में जाने वाला करंट ये इंडिकेट होता है, ओके और ISH से यहाँ पे शंट वायर में जाने वाला करंट ये इंडिकेट होता है, तो मल्टीप्लायर सेटिंग टोटल कितना एक्सटेंड करना वो करंट बट मीटर में जाने वाला करंट का रेशियो रहता है, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं मल्टीप्लायर का, मल्टीप्लायर सेटिंग इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस अगर बताना है, तो 1 प्लस मीटर का रेजिस्टेंस बटा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, 1 बटा मीटर का रेजिस्टेंस बटा 1 प्लस मीटर का रेजिस्टेंस बटा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ध्यान रखना। कई बार ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में क्या पूछता है, यहां से ऑब्जेक्टिव पूछता है कि स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस क्या होता है, क्या पूछता है स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस, ध्यान समझिएगा स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस है ना, ये क्या है सर ये कैसा रेजिस्टेंस है सर, ये स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस जो होता है ना इस पे टेम्परेचर का कोई असर नहीं पड़ता, टेम्परेचर का इसका टेम्परेचर कोफिशियंट 0 अल्फा, टेम्परेचर कोफिशियंट क्या होता सर 0, मतलब इस पे ताप का असर नहीं पड़ता, तो ये क्यों पढ़ा रहे हैं सर अभी बात करता हूँ मैं सर, नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर मतलब बहुत एकदम नेग्लेजिबल इफेक्ट पड़ता है, नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इस पे ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो क्यों सर ये पढ़ रहे हो, तो एमीटर के अंदर जो आप रेजिस्टेंस लगाते हो वो स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि इसका वैल्यू बहुत कम होता है, अगर ताप में चेंजेज हो गए तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा तो आपका रीडिंग एरर देने लगेगा, सो एमीटर के अंदर जो रेजिस्टेंस यूज करते हो वो कैसा रेजिस्टेंस होता है स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस, वो कैसा रेजिस्टेंस होता है सर वो स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस होता है, कैसा रेजिस्टेंस होता है सर स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस, ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना ये सब। उसके बाद पूछता है कि स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस में क्या सिर्फ कॉपर का वायर होता है, नहीं कॉपर के साथ मैंगनीन का इस्तेमाल करते हैं, ये सब ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा एग्जाम में सर, इसमें कॉपर के साथ साथ यानी मैंगनीन का इस्तेमाल करते हैं, किसके साथ सर कॉपर के साथ मैंगनीन का इस्तेमाल करते हैं इस रेजिस्टेंस में, ताकि ताप का असर ना पड़े, ऐसा हो कि एक बार आपने मापा वहाँ 20 डिग्री टेम्परेचर है और गर्मी इतना बढ़ गया, उसी चीज़ को मापे तो 40 डिग्री टेम्परेचर में कहीं ना कहीं टेम्परेचर का असर पड़ता है कंडक्टर पे, तो इससे रीडिंग आपके यानी इधर जाने वाला करंट का वैल्यू में चेंजेज आएगा, तो इससे रीडिंग गलती आ सकता है, इसीलिए ऐसा रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करते हैं जिसपे ताप का प्रभाव ना पड़े, उसको बोलते हैं स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस, और स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ मैंगनीन प्लस कॉपर। आपसे पूछ देगा किस रेशियो में मिक्स करते हैं स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस में मैंगनीन और कॉपर, सर 20:1 के रेशियो में या फिर 30:1 के रेशियो में ऐड किया जाता है मैंगनीन इनटू कॉपर का जो रेशियो होता है वो ये होता है। तो आई होप आपको रेंज एक्सटेंशन का फॉर्मूला क्लियर है यहां पर,
यहां से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा फटाक से जवाब देंगे, हम न्यूमेरिकल भी उठा लेंगे यहां से, ठीक है ना सर? केसी का वैल्यू फिक्स होता है, बिल्कुल 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 जी, है ना। चलिए तो मैं यहां से कह सकता हूं कि ये वैल्यू है हमारा, ये अभी फॉर्मूला तैयार हो रहा है यूनिट टू का, यूनिट टू का सारा फॉर्मूला हम तैयार कर रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, ध्यान रखें नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट जीरो, मतलब नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। हालांकि टेम्परेचर से कुछ बचा ही नहीं है, बहुत ज्यादा अगर टेम्परेचर वेरी करोगे तो असर पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला फिफ्थ। सर आपने रेंज एक्सटेंशन और पढ़ा है, एम जो रेंज एक्सटेंशन की बात होती है वो होता है टोटल वोल्टेज बाय मीटर का वोल्टेज, ओके, ये भी होता है मल्टीप्लायर। और एम एक और टर्म में आप बात कर सकते हो, वन प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, वन प्लस आर एस सी सीरीज रेजिस्टेंस जो ऐड किए और जो आपके मीटर का रेजिस्टेंस है, तो ये भी चीज ध्यान रखना है। ये किसके लिए है, ये रेंज एक्सटेंशन फॉर वोल्ट मीटर, ये किसके लिए है सर, वोल्ट मीटर के लिए है, किसके लिए सर, वोल्ट मीटर के लिए। आपको पता है अगर वोल्ट मीटर का रेंज एक्सटेंड करते हैं तो उसके सीरीज में रेजिस्टेंस का ऐड करते हैं, अगर वोल्ट मीटर का रेंज एक्सटेंड करना है तो उसके सीरीज में वायर को यूज करते हैं, ठीक है। आइए ये मान लो मीटर है, ये आपका मीटर है वोल्ट मीटर, ठीक है सर, बहुत बढ़िया, ये आपने मीटर बना दिया। अब ये मीटर का रेजिस्टेंस अपना है, तो जब इसका रेंज को एक्सटेंड करना है तो मीटर का पहले ये कितना मापता था ये भी चेक करना है। पहले मैं कहता हूं ये मीटर मापता था अपना वोल्टेज इतना, मतलब मान लो 10 किलो वोल्ट मापता था, है ना, या मैं कहता हूं 25 वोल्ट मापता था। अगर रेंज को एक्सटेंड करना है तो जो एडिशनल रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करते हैं वो कहां जोड़ेंगे सर, वो जोड़ेंगे इसके सीरीज में, वो कहां जोड़ेंगे सर, इसी के सीरीज में, ताकि एडिशनल करंट इससे ना जुड़ पाए, एडिशनल करंट इससे ना जा पाए, ओके। तो अब मैं बात करूं तो यही है मीटर का एडिशनल सीरीज रेजिस्टेंस, तो ये सीरीज वाला वैल्यू जो आता है ना वो यही वैल्यू आता है जी, ये जो सीरीज वाला वैल्यू आप देख रहे हो ये रहता है, और ये जो मीटर वाला देख रहे हो वो ये रहता है, ठीक है ना। अब ये क्या करेगा सर, ज्यादा वैल्यू को मापेगा। अब रेजिस्टेंस अगर आपने ऐड कर दिया ना तो अब ये नया वैल्यू को जो मापेगा ये टोटल नया वी, ये टोटल वोल्टेज मापेगा, सो वी का वैल्यू ज्यादा हो गया या स्मॉल वी कम हो गया, ओके। सो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये वोल्ट मीटर के लिए हुआ, किसके लिए हुआ सर, वोल्ट मीटर के लिए फॉर्मूला। आई होप यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हम क्वेश्चन भी बनाएंगे, यहाँ से हम क्वेश्चन भी आगे बनाएंगे। एक और फॉर्मूला है इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी के लिए, फॉर्मूला बता दीजिए सर, इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी जो इंस्ट्रूमेंट का होता है उसका फॉर्मूला बता दीजिए, वन बटा करेंट का फुल स्केल डिफ्लेक्शन, वन बटा करंट का फुल स्केल डिफ्लेक्शन, है ना। इसका यूनिट एग्जाम में पूछ लेता है, वन बटा करंट को क्या लिखेंगे, वोल्ट पर ओम, वोल्ट पर ओम, है ना, वोल्ट पर ओम, तो यानी ओम पर वोल्ट, ये भी ध्यान रखना, ओम पर वोल्ट। या कई बार आपको बोलेगा एक इंस्ट्रूमेंट है उसका वोल्टेज इतना रीड करता है, उसमें इतना अगर आप हमने क्या लगा रखा है इतना रेजिस्टेंस, तो बताइए उसकी सेंसिटिविटी क्या है, तो इस तरीके से भी पूछता है। सो सेंसिटिविटी भी एक फॉर्मूला है जहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी, ठीक है, वन बटा फुल स्केल डिफ्लेक्शन। चलिए 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 अब हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन यहां से देखेंगे, हमारा ये इतना फॉर्मूला जो है यूनिट टू के अंदर बनता है, वेट अ सेकेंड, यूनिट टू के अंदर हम देख रहे हैं कि और कौन कौन से फॉर्मूले हमारे तैयार हो सकते हैं, वेट अ सेकेंड, जिससे हमारा ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। ध्यान रखिएगा न्यूमेरिकल का वेटेज कम है, थ्योरी हमने जो कराया था उनको फोकस करिएगा ज़्यादा ज़्यादा, न्यूमेरिकल का वेटेज कम दे रखा है, कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव में ही क्वेश्चन दिए हुए हैं, ओके। अनदर फॉर्मूला, अनदर फॉर्मूला, अनदर फॉर्मूला और दिया हुआ है, वेट वेट वेट, रेक्टिफायर वाला से, रेक्टिफायर से फॉर्मूला दिया हुआ, अनदर फॉर्मूला फॉर रेक्टिफायर, रेक्टिफायर। चलिए चलिए चलिए
अनदर फॉर्मूला, अनदर फॉर्मूला फॉर रेक्टिफायर, अनदर फॉर्मूला मैं कहूँ अगर इसको सिक्स नंबर, ये है रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफायर, रेक्टिफायर इंस्ट्रूमेंट, रेक्टिफायर इंस्ट्रूमेंट के लिए अगर मैं बात करूं, रेक्टिफायर इंस्ट्रूमेंट के लिए भी आपसे क्वेश्चन पूछता है तो रेक्टिफायर इंस्ट्रूमेंट के लिए क्या होता है, ध्यान से समझिए सर। रेक्टिफायर इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि हमारे पास सोर्स होता है, देखिएगा ध्यान से सर, सोर्स है हमारे पास किस का, एसी का सोर्स रहता है सर यहाँ पर एसी का, और अपने पास इंस्ट्रूमेंट है पीएमएमसी, अपने पास इंस्ट्रूमेंट क्या है जी पीएमएमसी, तो पीएमएमसी कभी एसी को माप नहीं पाता, तो हमको क्या करना पड़ेगा कि उस एसी को पीएमएमसी माप ले, उस एसी को पीएमएमसी माप ले, तो ऐसे में कौन सा फॉर्मूला तैयार हो जाता है, देखिएगा कि कहते हैं कि जब एसी को मापना है, आप एसी को मापना है तो आप क्या करिए ना, जो भी पहले लोड दिखा देता हूँ, मान लो आपको एसी का वैल्यू को मापना है, अब इसमें कोई कहेगा कि पीएमएमसी लगा दूँ, पीएमएमसी लगा दूँ तो क्या ये रीड करेगा, जी नहीं रीड करेगा, पीएमसी कभी माप ही नहीं पाएगा, पीएमसी कभी एसी को नहीं मापता, तो क्या करना पड़ेगा सर, तो ऐसे कंडीशन में कहते हैं जब पीएमसी ऐसे नहीं माप पाएगा तो आपको दूसरा काम करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा सर, एक इंस्ट्रूमेंट लीजिए, ये रहा, ये रहा, देखिएगा कहते हैं यहां पे लीजिए रेक्टिफायर, रेक्टिफायर, अब यह रेक्टिफायर दो तरीके के हो सकते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव भी हो सकते हैं और फुल वेव भी, आपके ऊपर डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा पूछा गया वहां पे, इन पे निर्भर करता है। अब ये सर्किट है, ये लो सर्किट, अब इस दोनों के बीच यहाँ पे हमने क्या किया, मुझे दिया हुआ था एसी, ठीक है, अब मैंने बीच में एक रेक्टिफायर लगा दिया और जो भी लोड था, ये जो भी लोड है ये हमने कहा ठीक है ये आर लोड है, अब इसमें कितना करंट जाएगा, अब इसमें कितना करंट जा रहा है, ये कहता है कि अब पीएमएमसी लगा सकते हो, क्या कहता है, अब आप तो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट लगा दो, अब रीडिंग करने लगेगा, अब यहाँ पे आप पीएमएमसी लगा दीजिए, पीएमएमसी का अमीटर ही लगा दीजिए, अब रीड करेगा, लेकिन वो जो रीड करेगा वो एग्जैक्ट इनपुट वैल्यू को रीड नहीं कर पाएगा, तो इसके लिए कितना गुना होता है, एक फॉर्मूला तैयार होता है इससे, आइए आइए, अगर कितना रीड करेगा इसके लिए फॉर्मूला तैयार होता है, सब कुछ मैंने करा रखा है, तो कहते हैं फोर फोर हाफ वेव है ना, हाफ वेव रेक्टिफायर अगर यूज करोगे, हाफ वेव रेक्टिफायर अगर आप यूज करते हो, हाफ वेव रेक्टिफायर यूज करते हो और इस एसी के वैल्यू को मापने चाहते हो, तो अगर करंट के टर्म में चेक करोगे है ना, करंट कितना है, तो आई जब एवरेज पता करोगे, आई जब एवरेज पता करोगे तो क्या होगा आपको, और आई आरएमएस क्या पता है, तो मेन आपको आई आरएमएस पता करना होता है, एवरेज को छोड़ दीजिए सर, आई आरएमएस जब पता करना हो तो आई आरएमएस जब आप पता करना हो तो सर ऐसे कंडीशन में गुना क्या होता है, यहाँ पे देखिएगा सर 2.22 क्या गुना करना होता है, 2.22 इंटू एमीटर की रीडिंग, इंटू रीडिंग ऑफ एमीटर, इंटू रीडिंग ऑफ एमीटर, होता है कि नहीं, ये सारा थ्योरी करा रखा है और किस तरीके से करा रखा है, हमने सब चीज़ बता रखा है कि अगर आपके पास इनपुट एसी हो और रेक्टिफायर का इस्तेमाल करके पीएमएमसी से भी इनपुट को मापा जा सकता है, तो जो रीडिंग पीएमएमसी की होगी उसमें 2.2 से गुना कर दीजिएगा तो इनपुट आरएमएस वैल्यू आपको मिल जाएगा, इनपुट आरएमएस वैल्यू आपको मिल जाएगा कि यहाँ पे कितना है, सो 2.2 से गुना करना पड़ता है। आरएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है आज ये भी नहीं पता, कैसे काम चलेगा अभिलेश, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है ना, रूट मीन स्क्वायर, अब ध्यान रखिएगा अगर कोई कहे फोर फुल वेव यूज किया जाता, अगर फुल वेव रेक्टिफायर यूज करेंगे, फुल वेव रेक्टिफायर यूज करेंगे तब पूछता आई आर एम एस कितना मापेगा, तब यहाँ पे आर एम एस का वैल्यू मापना है, तो ऐसे कंडीशन में 1.11 से गुना करना पड़ता है, गुना रीडिंग ऑफ मीटर, गुना रीडिंग ऑफ एमीटर, ओके okay, अब ध्यान रखिएगा
यहाँ पे कि सर अगर अमीटर है तो अगर करंट निकालना है तो अमीटर से गुना करेंगे, अगर वोल्टेज निकालना है तो वहां का वोल्टमीटर से गुना करेंगे, वहां वोल्टमीटर लगा होगा और वोल्टमीटर से गुना करेंगे, ठीक है ना, ठीक है ना, एकदम ये सब चीज ध्यान रखना। ठीक है, ये सारा चीज आपको दिमाग में रहे तो याद रहे। आई इनपुट तो रेक्टिफायर टाइप का इंस्ट्रूमेंट, आपके थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है, रेक्टिफायर टाइप का इंस्ट्रूमेंट की थ्योरी इंपॉर्टेंट है, नोट्स में किया गया है, ये भी ध्यान रखना है। तो ओवरऑल इस यूनिट का हमने टोटल ये हमारा सातवां फॉर्मूला था, सारा फॉर्मूला हमने कर लिया, देखिएगा सारा फॉर्मूला इसका मैंने कर लिया। ओके, ये हमारा यूनिट टू से फॉर्मूला का कलेक्शन है और उससे कितने क्वेश्चंस हो सकते हैं मैं बारी बारी से क्वेश्चन भी एकाध करा देता हूं, जिससे यूनिट टू में आप देख सकते हो। उसके बाद यूनिट टू का कल मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रखा था, यूनिट टू का कल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थियोरिटिकली है कन्वेंशनल उसको मैंने कल करा दिया था। ठीक है, आइए सर आइए, इसमें अब क्वेश्चंस को डील कर लेता हूं, क्वेश्चंस को डील कर लेता हूं एक बार। फॉर्मूला एक बार आप लोग चेक कर लीजिए, फॉर्मूला एक बार अच्छे से देख लीजिए, मैं क्वेश्चन डील कर देता हूं, कैसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम में। चलिए क्वेश्चंस उठाता हूं फिर अब स्टार्ट करते हैं। आइए क्वेश्चंस लीजिए। कह रहा है ध्यान से देखिएगा, ए 2 मिली एम्पियर, ए 2 मिली एम्पियर मीटर विथ एन इंटरनल रेजिस्टेंस, मीटर विथ एन इंटरनल रेजिस्टेंस विथ एन इंटरनल रेजिस्टेंस विथ एन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम इज टू बी कन्वर्टेड इंटू 0 to 150 मिली एम्पियर, 0 to 150 मिली एम्पियर एमीटर। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस। एकदम फटाफट आप लोग कैलकुलेट करके बताएं, अगर फॉर्मूला याद है तो फटाफट आप लोग इसका आंसर देंगे, फटाफट अगर कहो तो एग्जैक्ट मैं आपका इसका फटाफट नहीं ऑब्जेक्टिव नहीं देना है, फटाफट आंसर करिए ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि इसमें एरर भी रहता है तो उससे दिक्कत आ सकती है। यहाँ रेजिस्टेंस है और यहाँ 150 मिली एम्पियर है, ध्यान रखिए अगर किसी को दिख नहीं रहा हो मैं ब्लैक पेन से मोटे में कर देता हूँ, कितना है 0 से 150 मिली एम्पियर रेंज को बढ़ाया गया है। तो आपसे पूछ रहा है संट रेजिस्टेंस इसका क्या होगा। खुशी कह रहा है कि सर न्यूमेरिकल ऊपर से निकल जाता है, कैसे ऊपर से निकल जाएगा, कितना सिंपल क्वेश्चन है, कितना सिंपल क्वेश्चन है। और इसमें कोई ये भी पूछ देता है कि बताइए इसमें रेंज एक्सटेंशन मल्टीप्लायर क्या है, इसका मल्टीप्लायर क्या है, कोई इससे में ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए इसका मल्टीप्लायर सेटिंग कितना होगा। अगर एक आध जवाब दे सकते हो कोई भी तो दो, वरना मैं बना देता हूं फटाफट, टाइम का किलिंग नहीं करना है, टाइम को किल नहीं करना है। और इस न्यूमेरिकल के बाद हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट 3 का बताएंगे।
खुशी कह रही है आप भी बना दो। अरे ये क्वेश्चन सब तो ऑब्जेक्टिव के लायक है, फटाफट आप लोगों को करना चाहिए, फटाफट करना चाहिए, फटाफट करना चाहिए। एमीटर है सर, क्या बोला सर आपको पता है, कह रहा है कि 2 मिली एम्पियर का एक ये है एमीटर है, एमीटर है इसका मतलब जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 100 ओम दिया हुआ है, कितना 100 ओम, कहता है इज टू बी कन्वर्टेड। अगर इसको रेंज एक्सटेंड कर दिया गया, जो 2 मिली एम्पियर था उसको 150 मिली पर रेंज बढ़ाया गया, तो रेंज तो बढ़ाया गया, 200 से 150 तक मापना है रेंज, तो रेंज तो एक्सटेंड किया गया। ओके किसी ने निकाला है 7400 ओम, 7400 ओम होगा जी, 100 है तो 7400 होगा, रेजिस्टेंस तो कम ही होता है ना। किसी ने निकाला 1.35, रानी कुमारी, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया रानी। नेक्स्ट तो सॉल्व करिए, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है सर। रेंज को इतना गुना बढ़ाया गया, पहले 2 मिली एम्पियर माप पाता था एमीटर, अब ऐसा अरेंजमेंट शंट लगा दिया उसने कि अब 150 मिली एम्पियर तक माप लेता है, तो रेंज तो सर बढ़ गया। रेंज तो कितना टाइम बढ़ा, अगर चाहे तो यहाँ से कोई मल्टीप्लायर सेटिंग भी पूछ देता, ऐसे क्वेश्चन में पूछता बताइए मल्टीप्लायर कितना गुना मल्टीप्लाई हो गया। सर मल्टीप्लायर सेटिंग हमको पता है कि टोटल कितना मापना है सर, 150, हमने फॉर्मूला अभी बताया था ना, ये देखिए ये बताया था ना मल्टीप्लायर, टोटल करंट कितना और पहले मीटर कितना मापता था, इन दोनों का रेशियो है, यही देखिए मीटर पहले कितना मापता था, अब आपको टोटल कितना मापना है ना, पटाख से बन जाएगा। अब पहले मापता था सर 2, तो बाकी 75 इसका मल्टीप्लायर सेटिंग का वैल्यू होगा, कितना 75। ओके चलिए अब कह रहा है कि सर मीटर का रेजिस्टेंस संट बताइए, यानी एक मीटर है उसका, एकदम अच्छे से समझिए, संट वायर ये रहा, यही तो इसका संट है RSH, यही पूछता है कितना लगाएंगे जब ये पहले जो 2 मिली एम्पियर मापता था अब ये मापने लगा कितना 150 मिली एम्पियर, कितना 150 मिली एम्पियर, और मीटर का रेजिस्टेंस दिया हुआ है 100। तो सर ये एक चीज देखिए, नॉर्मल चीजें देखिए, जो नहीं समझ पा रहे हो समझिएगा, समझिएगा नॉर्मल चीजें यहां समझिएगा कि जब RSH यहां है और RM यहां है, यहां कितना है जी 100 ओम है, यहां कितना है जी 100 ओम है, और आप पहले 2 ही ओम एम्पियर मापता था, 2 ही मिली एम्पियर, अब आपको पता है कि बाकी 2 के अलावा 148 जो है मिली एम्पियर मैक्सिमम वो बायपास करना पड़ेगा, तो 148 मिली एम्पियर अगर बायपास करना है रिमेनिंग, तो ऐसे कंडीशन में रिमेनिंग जो मैक्सिमम करंट जाएगा उसके लिए इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होना चाहिए। ऑब्वियसली एक चीज तो तय है कि RSH का मान बहुत कम होगा, किसके तुलना में सर, RM की तुलना में, RM जो है वो उससे बहुत छोटा होगा, RM से बहुत छोटा होगा RSH, तभी ना मैक्सिमम करंट बायपास कर पाएगा, तभी ना मैक्सिमम करंट बायपास करेगा, बोलिए क्लियर है। सो ऐसे कंडीशन में एक चीज होता है, वैल्यू हमेशा 100 ओम से तो बहुत कम आएगा, 100 ओम से बहुत कम आएगा, ये तो सोच के भी बता सकते हैं ना, फॉर्मूला से बता देते हैं सर। सर M बराबर होता है 1 प्लस RM/RSH, तुरंत निकाल लेंगे है ना, मीटर का दिया हुआ है यही पूछ रहा है, यहाँ कितना लगाएंगे कि ये 2 मिली एम्पियर से 150 मिली एम्पियर मापने लगे, तो सर M का वैल्यू हमने निकाल लिया, M होता है कितना एक्सटेंड किया और पहले कितना मापता था, यानी M का मान 75 निकला हुआ है, और सर 1 प्लस मीटर का रेजिस्टेंस 100 प्लस RSH, या निकाल लीजिए इसको, यहाँ कर लेते हैं अच्छे से, एकदम कंफ्यूजन ना बने, कंफ्यूजन ना बने, इसके लिए हमेशा काम होना चाहिए, वेट अ सेकेंड, आइए सर सेट, आइए आइए आइए। अब बताइए सर यहाँ से मैं कहूँ 74 बराबर क्या हो जाएगा, 100/RSH, सर RSH निकल गया आपका मामला 100/74, इसको करिएगा तो सही में 1.35 ओम इज योर राइट आंसर, इतना ही आपका राइट आंसर आएगा। चलिए चलिए बहुत बढ़िया,
बड़ा सिली सिली क्वेश्चन पूछेगा, आइए मैं बताता हूं। ये तो था रेंज एक्सटेंशन से क्वेश्चंस, और भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूं न्यूमेरिकल टाइप जो आपको पूछ सकता है। आइए जी, आइए आइए, और क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव करा देता हूं मैं यहां से। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन दिए गए हैं, 74 क्यों लिखे हैं सर? अरे 74 ये इधर जाएगा घटेगा ना, 75 में से एक जाएगा तो इधर 74 होगा ना, ये 75 से एक घटेगा ना जी। अब जोड़ घटाओ भी बताऊंगा, पुष्पेंद्र कुमार बताइए, जोड़ घटाओ में कोई गलती नहीं होना चाहिए, जोड़ घटाओ में कोई गलती नहीं होना चाहिए जी, जोड़ घटाओ में कोई गलती नहीं होना चाहिए। चलिए चलिए, 9 क्वेश्चन क्या कहा गया, देखिए इस टाइप से क्वेश्चन आपको आएंगे। क्वेश्चन क्या कहा गया, ए एमीटर हैविंग रीडिंग, ए एमीटर हैविंग रीडिंग 0 to 5 एम्पियर, एक एमीटर है जिसकी रीडिंग कितनी है 0 to 5 एम्पियर, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.3 ओम, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.3 ओम, क्या है जी 0.3 ओम, ठीक है इंटरनल रेजिस्टेंस है। चलिए उसके बाद कह रहा है इन ऑर्डर टू मेक रेंज 5, या बाय मिस्टेक है, अगर रेंज को बढ़ाना है, इन ऑर्डर टू मेक इट्स रेंज 0 to 50 एम्पियर, देन वी नीड ए रेजिस्टेंस इन, किसमें? ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ए बी सी डी सीरीज पैरेलल बोथ, आपको सीरीज में भी चाहिए एंड पैरेलल में भी चाहिए, नन ऑफ दिस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, फटाफट बताएंगे और क्या क्या ऑब्जेक्टिव इससे पूछा जा सकता है मैं बता देता हूँ, फटाफट, और कैसे कैसे ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल्स इससे आ सकते हैं फटाफट मैं बताता हूँ, और कैसे कैसे न्यूमेरिकल्स आपको देखने को मिल सकता है। गौतम कुमार, चलिए बी बी बी, बहुत कोई बी बता रहे हैं, चलिए चलिए फटाफट। चलिए बहुतों के जवाब आए हैं, पैरेलल बी, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी मैं दिखाता हूँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी दिखाता हूँ, 0.3 इन पैरेलल, बिल्कुल इन्होंने वैल्यू भी निकाल दिया है, 0.3 नहीं होगा, अच्छा 0.03 इन पैरेलल, ठीक है फिर हो सकता है क्योंकि वैल्यू इससे कम होगा, श्योर, और पैरेलल में होगा।
और पैरेलल में होगा, और ऑब्जेक्टिव भी कराता हूँ अभी मैं यहाँ पे, देखिएगा आप लोग को जवाब देना है फटाफट, मैं पूछता जाऊँगा आप लोग जवाब देंगे, आप लोग को फटाफट पूछता जाऊँगा जवाब देते जाइएगा, ध्यान से समझिए। कह रहा है क्वेश्चन, वोल्टमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, वोल्टमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, वोल्टमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, वेरी हाई या वेरी लो या नो नन या फिर हाई लो एनी वन, वोल्टमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस हाई होता है या लो होता है, फटाफट बताएंगे, फटाफट फटाफट कमेंट करेंगे। चलिए एक आशुतोष का जवाब है, फटाफट स्पीड में जवाब देंगे, वोल्टमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस, वोल्टमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस, चलिए बहुत ज़्यादा होता है तभी ताकि करंट पास ना करे, ठीक है, प्रैक्टिकली वेरी हाई, बहुत बढ़िया, आइडियली इन्फानाइट, आइडियली इन्फानाइट, बिल्कुल बिल्कुल, सभी के जवाब आने लगे, सभी के जवाब, गौतम कुमार लॉ नहीं, गौतम ने लॉ बता दिया, अखिलेश ने जीरो बता दिया, अरे कहाँ दिमाग है, कहाँ दिमाग है जी तुम लोग का, चलिए क्वेश्चन कहता है एनालॉग इंस्ट्रूमेंट कैसा इंस्ट्रूमेंट होता है, एनालॉग इंस्ट्रूमेंट कैसा इंस्ट्रूमेंट होता है, एब्सोल्यूट होता है या रिकॉर्डिंग होता है या इंडिकेटिंग होता है या कंट्रोलिंग होता है, ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन कह रहा है आपसे, ध्यान से वेट अ सेकेंड, क्वेश्चन कहता है एनालॉग इंस्ट्रूमेंट कैसा होता है, पहला ऑप्शन है एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, कंट्रोलिंग इंस्ट्रूमेंट, जो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट होता है वो कैसा होता है, टैप करेंगे फटाफट फटाफट फटाफट, एनालॉग इंस्ट्रूमेंट एब्सोल्यूट होता है जी, एब्सोल्यूट होता है, इंडिकेटिंग इंडिकेटिंग, बिल्कुल, एनालॉग इंस्ट्रूमेंट कैसा होता है, इंडिकेटिंग, कैसा होता जी, इंडिकेटिंग, एब्सोल्यूट नहीं होता, कंट्रोलिंग नहीं होता, इंडिकेटिंग होता है, चलिए 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 फटाफट कर ले जाओगे, ऑब्जेक्टिव में कोई दिक्कत नहीं आएगा, ऑब्जेक्टिव में कोई दिक्कत नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा, आइए जी आइए, और क्वेश्चन मैं बता देता हूँ आपको, एक वेट अ सेकेंड वेट अ सेकेंड, चलिए चलिए यूनिट टू में मुझे नहीं लगता कोई परेशानी होगा, यूनिट टू में न्यूमेरिकल में मुझे नहीं लगता कोई परेशानी आप लोग को होगा, यूनिट टू में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, एक क्वेश्चन देता हूं, एक क्वेश्चन देता हूं, द सेंसिटिविटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट will be if a voltmeter voltmeter having twenty kilo ohm resistance at its full scale voltage range is 40 volt कह रहा है सेंसिटिविटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट विल बी, क्या होगा अगर एक वोल्टमीटर का, अगर एक वोल्टमीटर का जो आपका ये रेजिस्टेंस है वो 20 किलो ओम है रेजिस्टेंस एंड इसका फुल स्केल जो रेंज है वो है 40 वोल्ट, तो इसका बताइए, आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए इस इंस्ट्रूमेंट का सेंसिटिविटी क्या होगा, सेंसिटिविटी क्या होगा, फटाक से बताएंगे इसका सेंसिटिविटी क्या होगा, इसका सेंसिटिविटी क्या होगा बताएंगे एक बार फटाफट।
इसका सेंसिटिविटी क्या होगा फटाफट बताएंगे। आशुतोष कर रहा है 500 ओम पर वोल्ट। यूनिट भी बहुत जरूरी होता है, यूनिट भी बहुत जरूरी होता है। रूपाली प्रिया 0.5 बता रही है, 0.5 बता रही है। चलिए चलिए फटाफट फटाफट फटाफट, चलिए कुछ जवाब आ चुके हैं, कुछ इंतजार में हैं, कुछ जवाब आ चुके हैं, कुछ इंतजार में। और भी दो सा लाइन इंतजार कर लेता हूँ, कुछ जवाब आ चुके हैं, कुछ इंतजार में। चलिए ध्यान रखिए अपनी तैयारी, आज से एग्जाम लग जाना है, क्योंकि आज के बाद कोई मैराथन तो अब होगा नहीं, अब मोटर ट्रांसफार्मर में होगा। तो अभी आप लोग के पास टाइम है, न्यूमेरिकल को भी देखना, ऑब्जेक्टिव को भी अच्छे से देख लेना, और फिर थ्योरी तो आप कर ही रहो फटाफट। इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ, उससे बाहर कुछ हो नहीं आना है। अगर एक आध आ भी गया तो अथवा में रहेगा, आप लिख सकते हो। सो एकदम टेंशन नहीं लेना, आराम से करिए, आपका एग्जाम बढ़िया जाएगा। नौ सर यहाँ पे बताइए, आप अगर सेंसिटिविटी की बात करते हैं तो आप बोलते हैं 1/ करंट का फुल स्केल डिफ्लेक्शन, या फिर उसी को 1/ फुल स्केल डिफ्लेक्शन को वोल्ट पर ओम में दिखाते हो, है ना, वोल्ट पर ओम में दिखाते हो। तो इसका मतलब 1/ वोल्टेज कितना दिया हुआ जी यहाँ पे 40, और इसका रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ 20 किलो ओम, कितना दिया हुआ 20 × 10^3। सो कितना हो गया जी 20 × 10^3/40, ये जीरो इनसे कट गया, और ये कितना बचा जी 2 × 4, तो 2 × 4, तो यहाँ पे कह सकते हो 500, और यूनिट क्या रहता है आपको पता है, ओम पर वोल्ट, 500 ओम पर वोल्ट इसकी क्या होगी सेंसिटिविटी होगी, 500 ओम पर वोल्ट इसकी क्या होगी जी सेंसिटिविटी होगी। क्लियर है? चलिए 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 फटाफट फटाफट नेक्स्ट न्यूमेरिकल रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट का, रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट का न्यूमेरिकल देते हैं। पहले देख लीजिए रेंज एक्सटेंशन में हमने क्वेश्चन किया है, बिना वाले पे सबका वैल्यू, अगर ऑब्जेक्टिव आता है तो सबका वैल्यू देगा कि फ्लक्स डेंसिटी इतना है, करंट इतना है, टर्न की संख्या इतना है, एरिया इतना है, या फिर TD डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I हो जाएगा। नेक्स्ट मल्टीप्लायर सेटिंग से क्वेश्चन आ सकता है, आपसे पूछता है PMMC इंस्ट्रूमेंट का स्केल कैसा होता है, लीनियर। PMMC इंस्ट्रूमेंट का स्केल कैसा होगा जी, लीनियर। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है। सर एक संतोष और सौरभ जो सेलेक्ट हुए हैं उनका इंटरव्यू लीजिए। अमन खान बिल्कुल बिल्कुल, वो जब भी आएगा, क्योंकि एक तो चंपारण में है और एक है फ्रॉम उड़ीसा, और एक लड़का तो यहीं औरंगाबाद का है, बिहार जहानाबाद का, जो अभी कल परसों सौरभ लगा है, ओके, जो नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के अंदर लगा है। चलिए 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 एक इस पे बेस्ड क्वेश्चन बताता हूँ, इस पे बेस्ड। क्या है क्वेश्चन, कहेगा द रीडिंग ऑफ एमीटर ऑफ PMMC एमीटर इज 10 एम्पियर, देन फाइंड इनपुट करेंट ऑफ AC source in case of half wave
रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर के टर्म में बताइए क्या होगा, क्या होगा, क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्वेश्चन का जवाब देंगे, ऑलराउंडर, एस ऑलराउंडर कह रहा है 4.5, गलत है, गलत है जी, गलत है। एक कह रहा है 22 एम्पियर, गलत है। अच्छा अच्छा 22 एम्पियर है, चलो सोचने वाली बात है, बाकी भी बताएंगे। यूट्यूबर बोल रहा है 22.2, चलिए बहुत बढ़िया, सभी जवाब देंगे। नहीं दिख रहा है क्या, क्वेश्चंस टाइप होने पे नहीं दिख रहा है क्या, वेट अ सेकेंड, ये इसको कर देता हूँ यहाँ, ये लो अब जवाब दीजिए। चलिए इसको और इधर करा जाए क्योंकि ये नहीं दिख रहा है। लीजिए जी, अब आपको भी आसानी होगी। चलिए फटाफट फटाफट फटाफट, चलिए बहुत बच्चों के सही जवाब आने लगे हैं, बहुत बच्चों के सही जवाब आने लगे हैं, बिल्कुल अगर ये हाफ वेव रेक्टिफायर की बात कर रहा है तो ये एसी इनपुट का वैल्यू पूछ रहा है, यहां से एसी आरएमएस आपका वैल्यू कितना जाएगा इसकी चर्चा कर रहा है, जबकि इस लोड के साथ अगर कोई पीएमएमसी का एमीटर लगा हुआ है और ये रीड कितना कर रहा है जी, ये रीड कर रहा है 10 एम्पियर, ये कितना रीड कर रहा है 10 एम्पियर, ठीक है। सो अगर इस ये लोड है, आर लोड भी है, तो बताइए इसकी रीडिंग क्या हुई करंट में, है ना, करंट में। तो बिल्कुल बहुतों के जवाब सही है, बहुतों के जवाब बिल्कुल सही है। सॉल्यूशन में आइए सीधे, आपको पता है आई आर एम एस अगर पता करना है तो 2.22 इनटू रीडिंग ऑफ एमीटर होता है, किस केस में जी, हाफ वेव के केस में, हाफ वेव रेक्टिफायर में, क्योंकि ये जो फुल वेव है देखिए ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जो फुल वेव है उसको ये रेक्टिफाई करके आधा वेव भी बनाता है, आधा ही वेव बन देता है, तो आधा ही वेव मिलता है, ये रीडिंग तो आधा ही करता, आधा तो करता ही नहीं, तो आधा का ही वैल्यू का एवरेज माप लेता है, तो ऑब्वियसली ये पूरा वेव है, इतना मापने के लिए ज़्यादा से गुना करना पड़ेगा ना, इतना को पूरा करने के लिए क्या करेगा, दो से यानी ज़्यादा वैल्यू से गुना करना पड़ता है, इसीलिए 2.22 से गुना करना पड़ता है। यही फुल वेव रेक्टिफायर होता है तो ज़्यादा वैल्यू का औसत ऑलरेडी निकाल दिया है तो 1.11 से ही गुना करते हैं, क्या करते हैं 1.11 से ही करते हैं, ठीक है। चलिए तो ऑब्वियसली 2.22 गुना एमीटर की रीडिंग 10 एम्पियर है, सो 22.2 एम्पियर। कई चीज यहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पीक वैल्यू, एवरेज वैल्यू, आपसे यहां से ऑब्जेक्टिव टाइम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैं एक बार आपको बताता हूं, आप लोगों से क्वेश्चन का जवाब लेता हूं, एक एक करके मैं पूछता हूं, आपसे पूछेगा अगर इसका 10 वोल्ट है तो इस वेव का वी आर एम एस बताइए इसका क्या होगा, अगर वोल्टेज का कर्व है, एक बार आप लोग सभी बताते जाएं, कर्व देते जाता हूं, कर्व का इक्वेशन अगर फॉर्मूला याद है तो आप उसके करस्पॉन्डिंग उसका वैल्यू मुझे बताएंगे, बताइए इसका आर एम एस वोल्टेज कितना होगा, 22 पॉइंट कैसे हुआ जी, 22 पॉइंट कौन पूछ रहा है जी, जय बाबा ब्रह्म, ये कैसे हुआ, 2.2 से गुना होता है 10 का, तो 10 से ये गुना हुआ तो 22.2 नहीं आ जाएगा, रीडिंग दे रहा है 10 एम्पियर का और ये है इतना, तो ऑब्वियसली इतना वैल्यू देगा। चलिए 10 वोल्ट पीक वैल्यू है किसी वेव का, यहां दिया हुआ है पीक वैल्यू, वीएम दिया हुआ है 10, आपसे पूछ रहा है आरएमएस वैल्यू इस वेव का क्या होगा, एक ने जवाब दे दिया 70, मिक्सिंग मस्ती, बताओ ये तो मस्ती में है, हाँ पारुल 10/√2,
सेवन पॉइंट समथिंग। चलिए बहुत बढ़िया, फटाफट एक एक का जवाब देंगे आप लोग बढ़िया से, क्योंकि इसका लैंग्वेज बहुत हो सकता है, पर हम शॉर्ट में चाहते हैं हर डाटा आपको दिमाग में है कि नहीं। चलिए, 22.25 कैसे आया? अरे जी, 2.22 को अगर 10 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, आप गुना करके बताओ। चलिए बिल्कुल बिल्कुल सर, 10/√2 या इसी को बोलेंगे 0.707 × 10 बराबर हो जाएगा 7.07 वोल्ट। एकदम दिमाग में रहे, ये आरएमएस वैल्यू। चलिए अलग अलग वेव का मैं सबका आपका फॉर्मूला निकाल के यहाँ पे ले लूँगा। ये कृष्णा कुमार 15 कैसे हो गया जी, 15.59 कैसे दे रहे हो? गलती सुधारिए। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ। कह रहा है कि ये वोल्टेज वी ऑफ टी का कर्व है, अगर इसका मैक्सिमम वोल्टेज आपको 50 वोल्ट दिया हुआ है, इस कर्व का मैक्सिमम वोल्टेज 50 वोल्ट दिया हुआ है, बताइए वी एवरेज वोल्टेज कितना होगा एक कंप्लीट साइकिल के लिए, इसका एक कंप्लीट साइकिल के लिए इस वेव का औसत वैल्यू क्या होगा। सभी जवाब देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब अब चाहिए। चलिए बहुतों के सही है पिछले वाला क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब सभी से चाहिए। अगर एक वेव है, ये वेव है जिसका पीक वैल्यू 50 वोल्ट है, एवरेज वैल्यू पूछ रहा है कितना होगा एक 2π साइकिल के लिए, एक कंप्लीट 2π साइकिल के लिए उसका औसत वैल्यू कितना होगा, इसका औसत वैल्यू कितना होगा, फटाफट सभी जवाब देंगे। मिक्सिंग मस्ती, चलिए 0 बोल रहा है, चुन्नू कुमार 0 बोल रहा है, चलिए बहुत बढ़िया सभी जवाब देंगे। चलिए कंफ्यूज होंगे आगे, अभी मैं बताता हूं। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, एक ने बोला 31.88 प्रवीण कुमार, अलग दिमाग लगाया हुआ है। जय बाबा ब्रह्म 0 बोल रहा है, फटाफट करिएगा। एकदम रफ्तार में आंसर आना चाहिए जी, इसमें कुछ दिमाग लगाना है। सर जब भी एक कंप्लीट साइकिल के लिए बोले औसत वैल्यू एसयू का 0 होता है, जब भी कंप्लीट औसत वैल्यू, ये कंप्लीट साइकिल जब भी वर्ड आ गया फॉर ए कंप्लीट साइकिल, एसी का औसत वैल्यू हमेशा क्या होता है 0, फॉर ए कंप्लीट साइकिल औसत वैल्यू हमेशा 0 वोल्ट होगा, क्योंकि जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, तो हर कंप्लीट साइकिल के लिए औसत वैल्यू कितना होता 0, औसत वैल्यू कितना होता जी 0, ध्यान रखिएगा। लेकिन एक ने निकाला हुआ है 31.83, ये क्या सोच के निकाला मैं आपको वो भी बताता हूँ। आइए नेक्स्ट, ये फॉर्मूला आपको काम आएगा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है एक ऐसा वेव है, सिर्फ ये पूछ दे, एक एसी वेव है, आपसे सिर्फ ये पूछ दे कि एक एसी वेव है और उसका पीक वैल्यू 40 वोल्ट है, कितना है जी 40 वोल्ट है, तो इसका सिर्फ ये पूछ देता कि वी एवरेज बताइए, सिर्फ ये पूछ दे इसका वी एवरेज बताइए, जबकि पीक वोल्टेज आपको दिया हुआ है कितना 40 वोल्ट। इस एसी वेव का जब एवरेज पूछे, अरे पुष्पेंद्र 0 क्यों होता अभी पूछोगे, ये सब राम कहानी बीत चुका, औसत जितना अब बताओ, 10 रुपया तुमको दिया और 10 रुपये ले लिया, औसत क्या है 0, औसत एसी वेव का तो यही होता है ना, अरे जितना पॉजिटिव मामला है उतने एक साइकिल में नेगेटिव, जितना दिया उतना ले लिया, तो औसत क्या 0। लेकिन इस वेव का कभी एग्जाम में ऐसा पूछ देता है, एक कंप्लीट साइकिल के लिए नहीं पूछेगा, सीधे पूछेगा इस वेव का औसत क्या होगा, तब हम क्या जवाब देंगे। एक ने बोला 56, प्रवीण कह रहा है 25, कोई बोला 31, रानी बोल रही है 31। आइए तो ध्यान रखिएगा, अब फटाफट वक्त नहीं है इतना करने का, जब भी सिर्फ आपसे वी एवरेज पूछ ले
और कुछ मत बोले, वी एवरेज पूछ ले और कुछ मत बोले, तो आप हमेशा ये समझिएगा वो औसत किस टाइप का पूछता है, उसको रेक्टिफाई करके पूछता है। यानी इस वेव को ये अपने मन से ये मानता है कि मैंने किया फुल वेव रेक्टिफायर। इसको क्या किया? फुल वेव रेक्टिफायर। तो ये वेव, इसके अकॉर्डिंग ये वेव बन जाता है कैसा? ऐसा 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 ऐसा। इसके अकॉर्डिंग ये वेव बन जाता है ऐसा। सब पॉजिटिव, ये नेगेटिव भी सब पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, तो ये बन जाता है ऐसा। ये बन गया जब ऐसा, तो ऐसे कंडीशन में इस वेव का जब एवरेज निकालोगे, इस वेव का जब एवरेज निकालोगे तो फॉर्मूला बनता है 2Vm/π। क्या होता है जी? 2Vm/π। क्या होता है? Vm/π। 2Vm/π क्या होता है जी? 2Vm/π। ध्यान रखिएगा सर, ये जो यहाँ का जो Vm है ना, कन्वर्ट होने के बाद भी Vm वही रहता है। क्या होता है सर? Vm वही रहता है, ये भी दिमाग में रहे। सर कन्वर्ट होने के बाद भी Vm वाला मैग्नीट्यूड में कोई चेंजेज नहीं आते, तो Vm वही रहता है। तो अब औसत निकालिए। आपको ये भी पता होना चाहिए, इसका जब औसत निकाला जाए तो 2 × V क्या है सर? 40 बटा पाए। और आपको ये भी पता होना चाहिए, जो आप एवरेज निकालते हैं तो वो होता है 0.637 × Vm। क्या होता है? 0.63 Vm × अथवा ये भी याद होना चाहिए कि 2/π को क्या बोलते हैं? 0.63। यानी 2/π जो होता है, कैलकुलेटेड वैल्यू है 0.637। ये कैलकुलेटेड वैल्यू है, तो ये सब डाटा आपको याद होना चाहिए, ये सब डाटा आपको याद होना चाहिए। अब 0.63 को इस Vm से गुना कर दो तो मामला निकल जाएगा। ऑब्वियसली क्या होगा? 40 में आधा करेंगे, क्योंकि ये आधा से ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं 20 से ज़्यादा होगा। तो बहुत बच्चा 25.46 निकाला है, यानी लगभग मामला वहीं पे होगा, यानी मामला ये लगभग वहीं पे जाएगा। 0.637 × 40 बराबर मामला जाएगा 25.5 के आसपास, जो भी है 25.5। गुना करके देख लो। तो क्लियर है सर? कंप्लीट साइकिल का औसत हमेशा जीरो, लेकिन अगर सिर्फ एवरेज बोले, कंप्लीट वर्ड ना ऐड करे, एक कंप्लीट साइकिल 2π वर्ड ऐड ना करे, तो हम ये मानते हैं एसी के वैल्यू को रेक्टिफाई करके सब पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। और सब पॉजिटिव में कन्वर्ट करेगा तो हमेशा पीक तो है नहीं, तो इसका जब हम क्या करेंगे, एवरेज निकालेंगे, तो वो क्या होगा? Vm × 0.63, यानी 2Vm/π। ये फॉर्मूला बड़ा इम्पोर्टेंट है। यस, ठीक है। नेक्स्ट T, 2T, 3T, 4T, Vm बराबर 100 वोल्ट, Vm बराबर 100 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। आपसे पूछेगा इस वेव का वी एवरेज बताइए, इस वेव का वी औसत वैल्यू क्या होगा? वी एवरेज वैल्यू बताइए, इस वेव का क्या होगा? वी औसत क्या होगा बताएंगे एक बार सभी। बस आखिरी क्वेश्चन है, क्योंकि ये सब कर्व में बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको पूछेगा हाफ वेव रेक्टिफायर में कन्वर्ट कर दिया गया तो एसी इनपुट बताइए, तो ये क्वेश्चन इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देखो अब इतना ही नहीं आ रहा तो कैसे काम चलेगा?
आपको इसका फॉर्मूला आना चाहिए, सीधे इसका फॉर्मूला आना चाहिए। सर वी एवरेज जब एक हाफ वेव के लिए आप करते हो, हाफ वेव के लिए, तो फॉर्मूला होता है वी एम बाय पाए। क्या होता है जी? वी एम बाय पाए, वी एम बाय पाए। वी एम कितना है सर? 100/π। इतना वोल्ट हो जाएगा सर, इतना वोल्ट हो जाएगा। एक ही लाइन का आंसर है, कितना सोचना है? ये 200/t क्या करो, ये हाफ वेव है ना, हाफ वेव रेक्टिफायर है, मतलब आधा पर तो वेव है और आधा पे नहीं है, आधा पे वेव है आधा पे नहीं है, तो हाफ वेव रेक्टिफाइड हो गया। तो जो मैक्सिमम वैल्यू होता है उसको पाई से डिवाइड कर दीजिए, वही आपका उसका औसत वैल्यू होगा। यानी इसका औसत वैल्यू कहीं ना कहीं इधर बैठेगा। क्या बैठेगा? इस लाइन में बैठेगा। बिल्कुल, रानी कुमारी कह रही है 31। 100 अगर है तो 100/π, यानी 0.637 का अभी आधा हो जाता है, वो 2 Vm/π होता है, ये Vm/π। ध्यान रखना, इसका फॉर्मूला हाफ वेव रेक्टिफायर का होता है Vm/π, और यहां आपने अभी देखा 2 Vm/π। क्या है जी? 2 Vm/π। चलिए अब मैं बात करता हूं, ध्यान समझिएगा। हमारा इस तरीके से यूनिट 2 का ऑब्जेक्टिव जो न्यूमेरिकल टाइप का हो सकता है वो हमने किया। कल हमने यूनिट 2 में ये बोला था कि यूनिट 2 में कौन कौन से थ्योरी आ सकते हैं। आज मैं अब नेक्स्ट क्या करने जा रहा हूं, नेक्स्ट क्या करूंगा, आइए अभी नेक्स्ट क्या होगा। नेक्स्ट क्या होगा हमारा? यूनिट 3 एंड यूनिट 4 का हम न्यूमेरिकल करेंगे, एंड यहां कह सकते हो यूनिट 3 और 4 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्या होगा? न्यूमेरिकल यूनिट 3 का और 4 का, और यूनिट 3 और 4 का हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को डिस्कस कर देते हैं। बस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा, थ्योरी में किया हुआ है, पीडीएफ में आप वहां से देख लेना, क्योंकि अब इसके बाद वक्त भी नहीं मिलेगा, है ना। न्यूमेरिकल कराऊंगा यूनिट 3 एंड यूनिट 4 का, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे हमारे किसके सर? यूनिट 3 और यूनिट 4 में हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या आ सकते हैं। ठीक है जी? जी 15 मिनट का हम रहेंगे यहाँ पे विराम, 15 मिनट का होगा यहाँ पे विराम, फिर हम आते हैं आपके साथ इस क्वेश्चंस के साथ। ऑब्वियसली अगर आप लोग के पास प्रीवियस ईयर बुक्स हैं उन्हीं से कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके कलेक्ट होते हैं, और जो मेन फोकस करना है उन क्वेश्चन की हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक 15 मिनट का ब्रेक के बाद हम फिर कंटिन्यू करते हैं। सर पानी पी लीजिए। बिल्कुल हम पानी पी लेते हैं जी, आप लोग भी पीजिए, है ना। बिल्कुल जी बिल्कुल, चलिए
चलिए चलिए आज मैं देखता हूँ फटाफट इसके न्यूमेरिकल और यूनिट 3 और 4 के कौन से हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। ओके फटाफट आप कर लेते हैं सर इसको। फटाफट एक बार ज्वाइन करेंगे सेशन, फटाफट हम इसमें देखते हैं कि मुझे और क्या क्या कर लेना है यहाँ पे। चलिए चलिए जुड़िए सभी फटाफट। ओके चलिए वेलकम बैक, हम चीजों को देख रहे हैं अब। यूनिट थ्री से क्या क्या न्यूमेरिकल आ सकते हैं और यूनिट फोर से। जहां पे मैं बात करूं यूनिट थ्री की तो इसके अंदर है एडी टाइप इंस्ट्रूमेंट और मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट, और यूनिट फोर्थ की बात करूं तो यहां पे आपका पावर मेजरमेंट का है। तो इन दोनों यूनिट को मैं एक बार फटाफट देख लेता हूं। ठीक है चलिए फटाफट जब इस सभी ज्वाइन करेंगे सेशन को। सर कौन से ब्रांच का क्लास चल रहा है अभी? इलेक्ट्रिकल का चल रहा है। चलिए यहां पे यूनिट थ्री की बात करूं तो मेनली इसमें आपको देखना पड़ता है ईडी टाइप इंस्ट्रूमेंट एंड मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट ओके। तो यहां से देखिए मैं न्यूमेरिकल भी कराऊंगा लेकिन पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिस्ट कि इस यूनिट से हमारे कौन कौन से सेगमेंट थियोरेटिकल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, थियोरेटिकल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, हम उनकी चर्चा करने वाले हैं यहाँ पे। पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यूनिट थ्री का, किसमें थ्योरी की बात कर रहा हूं, थ्योरी की है ना, किसको आपको कवर कर लेना है। आइए फटाफट मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। सबसे पहले जो यूनिट टू में हमने देखा था, क्योंकि वहां पे यूनिट टू में एसी मीटर डीसी मीटर और वोल्ट मीटर कहीं ना कहीं पीएमसी को बताया और इसमें पीएमसी वर्ड तीसरे यूनिट में लिख दिया, तो आप कह सकते हो यहां पे दो क्वेश्चंस आपके बनते हैं। यहां पे पहला कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट, पहला क्वेश्चन ये बन सकता है। दूसरा डेराइव टॉर्क इक्वेशन फोर, वही चीज है जो पहले हमने बताया था यूनिट में, फोर पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट। ओके नेक्स्ट रेंज एक्सटेंशन की बात पहले हो चुकी है, यहां पे यह बात करें आपसे वाई पीएमएमसी नॉट वर्क ऑन एसी। पीएमसी क्यों एसी पर काम नहीं करता, पीएमसी क्यों एसी पर काम नहीं करता, तो ये क्वेश्चंस भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नौ अगर मैं बात करूं अगेन इससे रिलेटेड और क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं, थ्योरी की बात कर रहा हूं। ओके एडवांटेज एंड ड्रॉबैक आपको ध्यान में रखना है, एडवांटेज एंड ड्रॉबैक भी इसके एडवांटेज
एडवांटेज एंड ड्रॉबैक, ये भी आपको ध्यान में रखना है, एडवांटेज एंड ड्रॉबैक ऑल्सो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कंस्ट्रक्शन आपको बार बार पूछा गया है एग्जाम में, एंड इसमें एरर इन पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट है ना, एरर आपको ध्यान रखना है, एरर जैसे कि स्प्रिंग में लॉन्ग टाइम के बाद एरर आता है स्प्रिंग के अंदर, ओके ये भी देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टेट एंड एक्सप्लेन, स्टेट एंड एक्सप्लेन अबाउट मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, इसका दोनों चीज आप देख लेना, अट्रैक्शन टाइप रिपल्सन टाइप पूरा लिखना है। अगर इसका टॉर्क इक्वेशन भी पूछ दे तो टॉर्क इक्वेशन भी मैंने बता रखा है, टॉर्क इक्वेशन भी ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है ना। नेक्स्ट मैं बात करूं तो आपको सेम ये भी ध्यान रखना, स्टेट एंड एक्सप्लेन अबाउट इलेक्ट्रो डायनामोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट, या इसी को और बोलते हैं ईडी टाइप इंस्ट्रूमेंट, या इसी को और बोलते हैं ईएम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मूविंग कॉइल, ईएमएमसी, या इसी को ईएमएमसी भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मूविंग कॉइल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मूविंग कॉइल। तो ये भी बड़ा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए, ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ऑलरेडी मैंने करा रखा है थ्योरी के अंदर, थ्योरी के अंदर ये सब करा रखा है। डेराइव द टॉर्क इक्वेशन फॉर मूविंग इंस्ट्रूमेंट, देखिए इसमें टॉर्क इक्वेशन का ध्यान रखना है आपको, जब मूविंग इंस्ट्रूमेंट आयरन इंस्ट्रूमेंट करोगे तो ऑब्वियसली इसको डेराइव करने के लिए इसका टॉर्क इक्वेशन तो लिखना ही पड़ेगा, तो टॉर्क इक्वेशन एक बार अलग से भी पूछा है तो ऑब्वियसली इसका डेरिवेशन में इसमें टॉर्क इक्वेशन आपको डाल देना है, टॉर्क इक्वेशन आपको डाल देना है, तो टॉर्क इक्वेशन ध्यान रखिएगा, टॉर्क इक्वेशन या मैं अलग से ही लिख देता हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट होते हैं ये भी, हमारा टॉर्क इक्वेशन फॉर एडी टाइप एंड मूविंग आयरन, दोनों का ध्यान रखना है, दोनों का ध्यान रखना है जी, बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नोट्स कहाँ मिलेगा, वो तो मैंने टेलीग्राम में कल भी डाल दिया था ना, इतना लेट कैसे हो, इतना लेट कैसे हो। चलिए 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 चलिए, एडवांटेज ड्रॉबैक तो आपको सबका दिमाग में रखना पड़ेगा, एडवांटेज ड्रॉबैक तो आपको सबका दिमाग में रखना पड़ेगा, एडवांटेज सबका दिमाग में रखना, एडवांटेज पूछ लेता है कंस्ट्रक्शन वर्किंग एडी टाइप, आपको कंस्ट्रक्शन वर्किंग एडी टाइप वाट मीटर का जरूर पता है, हालांकि वाट मीटर का बहुत आगे वाले लेक्चर में भी दिया हुआ है। अगेन कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग एंड इट्स इक्वेशन भी कर देना, इट्स इक्वेशन किसका जी, किसका इक्वेशन आपको पता है, एडी टाइप वाट मीटर, एडी टाइप इलेक्ट्रोडायनामीटर टाइप वाट मीटर, टाइप वाट मीटर कुछ है ही नहीं, बड़ा सिंपल तरीके से हमने बताया था, बड़ा सिंपल तरीके से हमने इस सब कुछ चीजों को बताया हुआ है, बहुत सिंपल तरीके से बताया हुआ है। तो ये भी एक और टॉपिक आपके लिए है, डायनामीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट है ना। नाउ सर, 3 वाट मीटर मेथड और 2 वाट मीटर मेथड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, दो, एक तो 3 वाट मीटर मेथड एंड 3 वाट मीटर मेथड एंड 2 वाट मीटर मेथड, ये दोनों इंपॉर्टेंट, 3 वाट मीटर मेथड एंड 2 वाट मीटर मेथड, ये दोनों इंपॉर्टेंट हमारे लिए,
जल्दी आ गए सत्यजीत जी। ओके, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इनके हर कंडीशन ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाएगा। टू वाट मीटर मेथड का ऑब्जेक्टिव के लिए सर 30 डिग्री पे कितना होता है, सर 60 डिग्री पे कितना होता है, एक वाट मीटर नेगेटिव रीड किया तो दूसरा क्या करेगा, हर एक कंडीशन पढ़ा रखा हूँ याद रखना इन चीज़ों को, हर एक कंडीशन पढ़ा रखा हूँ याद रखना इन सारी चीज़ों को। एक एक चीज में करा दिया दे रखा हूँ और इससे वाट मीटर से क्वेश्चन बन सकते हैं। कौन से फॉर्मूले से मैं बात करता हूँ आपसे, कौन से फॉर्मूले से क्वेश्चन बन सकते हैं। एक एक और क्वेश्चन इससे बन जाएगा इस यूनिट में, एक और क्वेश्चन ध्यान रखना, मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर, मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर, तो इसको भी आपको देख लेना, मामला यहीं पे क्लियर हो जाएगा जी। इसमें फिर अब रिचार्ज होके आ गया। ओके चलिए, तो मामला यहीं तक है, इसमें और ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसमें अगर थ्योरी इतना आप करते हो, थ्योरी इतना करते हो तो इंपॉर्टेंट यूनिट थ्री का, यूनिट थ्री का तो काफी है, कंस्ट्रक्शन वर्किंग पीएमसी इंस्ट्रूमेंट। हालांकि ये यूनिट टू में हमने करा रखा है, उससे हेल्प मिल जाएगा आपको पूरा। यहाँ पे टॉर्क डेराइव टॉर्क इक्वेशन पीएमएमसी है पूरा है, और तीसरा ये तीनों क्वेश्चन कल वाले में भी इंपॉर्टेंट था, है ना। कल दो ही चीजें हैं, सेम चीजें हैं, है ना। नेक्स्ट स्टेट एंड एक्सप्लेन अबाउट मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, सारा नोट्स के अंदर भी है कराया हुआ। टॉर्क इक्वेशन भी कर लीजिएगा इसका। नाउ स्टेट एंड एक्सप्लेन इलेक्ट्रोडायनामिटर टाइप इंस्ट्रूमेंट के भी बारे में आपको यहाँ पे बोला गया। अगर कभी ईडी टाइप बोले तो कन्फ्यूज नहीं होना है। ईएमएमसी बोले, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मूविंग क्वाइल भी अगर बोले तो कंफ्यूज नहीं करना है। और रिमेनिंग क्वेश्चन यहाँ है टॉर्क इक्वेशन फॉर एडी टाइप एन एम आई, ये ध्यान में रखना है। ऐसे भी आपको एम आई पूछे या मूविंग आयरन पूछे, एम आई मूविंग आयरन पूछे या एडी टाइप पूछे, टॉर्क इक्वेशन तो बड़ा आसान है क्योंकि इतना तो ऐड करना ही पड़ेगा अपने को, है ना। चलिए, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग फॉर एडी टाइप, वाट मीटर के बारे में है ना, और वाट मीटर कैसे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वी आई पी एक्टिव पावर, ये फॉर्मूला भी बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। कौन लीनियर है, कौन नॉन लीनियर है, किस तरीके से, सबकी चर्चा करेंगे, है ना। ये इस तरीके से, तो यूनिट थर्ड को मैं एक बार जो नोट्स में करा हूँ उससे क्या एक बार गो थ्रू करवा दूँ, हर एक चीज़ को कैसे ध्यान में रखना है। यूनिट थ्री फटाफट यूनिट थ्री को एक बार बताइएगा, आप लोग कमेंट करिएगा मेजरमेंट किसका स्ट्रांग है, ये बताइए। यूनिट थ्री का पीडीएफ जो है एक बार फटाफट मैं बढ़ा दूं और किस किस पॉइंट को ध्यान रखना ये करवा दूं फटाफट। यस 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 यस, चलिए चलिए चलिए, आइए फटाफट करते हैं। नो सर, पुष्पेंद्र कुमार कह रहे हैं नो सर, यस गुरुजी, यस गुरुजी। चलिए दो 10 मिनट में इसको निपटा देते हैं जी, करवा दीजिए। यस मेरा नहीं है, ओके चलिए चलिए, यस 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 यस, फटाफट। चलिए चलिए, आइए आइए फटाफट यूनिट थ्री की ओर चलते हैं। आइए, यूनिट थ्री का मामला एकदम बढ़िया से क्लियर हो जाए। वेट, वेट। आइए, यूनिट थ्री आ चुका है, इलेक्ट्रोडायनामिटर टाइप इंस्ट्रूमेंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मूविंग। इसमें दो, यूनिट थ्री में तो दो ही टॉपिक तो हमारा इंपॉर्टेंट है, ईडी टाइप और एमआई, और उसी के बारे में पूरी चर्चा की गई है इसमें, यानी एसी इंस्ट्रूमेंट, एसी मीटर, एसी इंस्ट्रूमेंट है। अब देखिए, इसमें पूरा कराया हूं सर, पीएमएमसी में ही ना परमानेंट मैग्नेट वाले को हटा के और वाइंडिंग दे दिए तो हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेट मूविंग कॉयल। पीएमएमसी था परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉयल, और हमने इस मैग्नेट को हटा दिया, बाकी सब राम कहानी सेम रखा था, लगभग कुछ कुछ चेंजेस कर रहे थे, तो ये बन गया था ईएमएमसी। ये सब चीज़ आपको पता होगा, हमने पढ़ा पीएमएमसी और उसी में दूसरा है
EMMC, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनामीटर टाइप, है ना, ईडी टाइप इंस्ट्रूमेंट, इसी को बोलते हैं ईडी टाइप। क्यों बोला? क्योंकि सर पीएमएमसी के अंदर, पीएमएमसी में वर्ड है परमानेंट मैग्नेट, और इसको बना दिया इलेक्ट्रोमैग्नेट, परमानेंट हटा के इलेक्ट्रोमैग्नेट। बाकी मूविंग कॉइल इसमें भी है, मूविंग कॉइल इसमें भी है, इसमें भी यही कॉइल मूव करेगा, यही मूव करेगा, यही मूव करेगा, है ना। चलिए 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 फटाफट फटाफट फटाफट, कहाँ से इसमें न्यूमेरिकल बनेंगे वो भी बताता हूँ। इसके पूरे वर्किंग है, देखिएगा पूरा वर्किंग है इसमें। टॉर्क इक्वेशन है ईएमएमसी, ईएमएमसी मतलब एडी टाइप, है ना। आइए जी, पूरा टॉर्क इक्वेशन आपको बोलता है, पूछेगा ऑब्जेक्टिव टाइप, ये नॉन लीनियर स्केल देता है सर। एडी टाइप क्या देता है? नॉन लीनियर, क्योंकि थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर होता है, थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जबकि पीएमएमसी में क्या होता है? थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। वाई एडी टाइप वाट मीटर, एडी टाइप वाट मीटर की जरूरत क्यों हुई? सबकी चर्चा वाट मीटर में, एक एक चीज पढ़ाया हुआ हूँ, एक एक चीज पढ़ाया हुआ हूँ वहां पे। ये देखिएगा वाट मीटर का स्केल जो होता है एडी टाइप में, एडी टाइप में एमीटर वोल्ट मीटर नॉन लीनियर स्केल देता है, जबकि वाट मीटर कैसा स्केल देता है जी? लीनियर स्केल देता है। कैसा स्केल देता है? लीनियर स्केल देता है, लीनियर स्केल। ये तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, एमआई इंस्ट्रूमेंट, दो तरीके के, अट्रैक्शन टाइप रिपल्सन टाइप, दोनों होते हैं, दोनों हमने करा रखा है ना। ये हमारा अट्रैक्शन टाइप का एग्जांपल है। ओके ओके, तो मैं यहां बोलूं इसलिए किस टाइप का है जी? अट्रैक्शन टाइप का। तो अट्रैक्शन और रिपल्सन आपको दोनों देखना है यहाँ पे। टाइप ऑफ मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट की अगर बात करूं तो यहाँ पे अट्रैक्शन टाइप और रिपल्सन टाइप। तो अट्रैक्शन वाला पहला एग्जांपल रहा, रिपल्सन वाला भी हमने बता रखा है। तो दोनों इस तरीके से आपकी चीजें, ये रिपल्सन वाला है, एक सिलेंडर के अंदर इसका इस्तेमाल करते हैं, तो सारी चीजें आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, सारे चीज इस तरीके से। नौ क्वेश्चन आपसे पूछता है सर, क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव बड़ा फ्रिक्वेंट देखने को मिलेगा, ऐसा क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव बड़ा फ्रिक्वेंट देखने को मिलेगा कि अगर पूछ दे I बराबर 5 sin 5 + 10 cos ω 1 3 t, तो बताइए इसका औसत वैल्यू क्या होगा, यानी रीडिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या होगा? सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है खुशी जी का मेजरमेंट। ओके चलिए, सो सर अगर अगर आपको ऐसा वैल्यू दे दे कि I बराबर आपसे बोल दे 5 + 10 sin ω t, तो आपको बोलेगा ये रीडिंग अगर इसको एडी टाइप या मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट से गुजारा जाए तो रीडिंग क्या देगा? सर सीधे आरएमएस वैल्यू मापेगा और क्या करिएगा, 5 का स्क्वायर कर दीजिएगा प्लस ये जो है 10 का 10/√2, क्योंकि ये इसका आरएमएस निकालना है, ये तो डीसी वैल्यू है, ये आरएमएस वैल्यू, इसके पीक वैल्यू, तो इसको पी 10/√2 का स्क्वायर कर दीजिएगा, फाइनली अंडर रूट 75 एम्पियर। और क्वेश्चन पूछ सकता है, ये क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, देखिए बहुत ज्यादा एनर्जी लग जाता है। चलिए फटाफट, 2 + 10 sin 3 ω t + 2 sin ω 5 ω t, तो ऐसे करके वैल्यू भी ऐसे आरएमएस निकाला जा सकता है, 2 का स्क्वायर + 10/√2 का स्क्वायर + 2/√2 का स्क्वायर, ऐसे करके भी आप आंसर निकालोगे। पढ़ लिया है, चलिए 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 चलिए, ये सारा सारा चीज करा रखा हूं। देखिए इसमें न्यूमेरिकल भी किया हुआ है, आप इसको फटाफट देखेंगे, वाट मीटर की चर्चा भी होगी, इसमें वाट मीटर भी डिस्कशन किया हुआ है। मेजरमेंट ऑफ पावर, देखिए वोल्ट मीटर एमीटर मेथड, और यहां पे वोल्ट मीटर एमीटर मेथड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, याद रखना। आप इसमें 3 वाट मीटर मेथड को भी देखेंगे, वाट मीटर की चर्चा की गई है, आपसे पूछेगा, हर एक डिस्कशन कराया गया वाट मीटर मेथड में सिंगल फेज पावर को कैसे मापते हैं और 3 फेज पावर को कैसे मापते हैं, सारे मेथड इसमें बताए गए हैं, ठीक है ना।
एक एक चीज न्यूमेरिकल भी कराया गया है, नो डाउट यहाँ पे न्यूमेरिकल भी कराया गया है। थ्री वाट मीटर मेथड बड़ी इम्पोर्टेंट है सर, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, थ्री वाट मीटर मेथड बड़े इम्पोर्टेंट है। चलिए ये देखिए इस तरीके से सर, टू वाट मीटर मेथड याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट टू वाट मीटर मेथड। चलिए चलिए फटाफट 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 टू वाट मीटर मेथड, इसके सब कंडीशन को जरूर याद रखिएगा, इसका एक्सप्रेशन भी जब भी पूछे एक्सप्रेशन में निकाल दीजिएगा, और वन वाट मीटर, उसके बाद टू वाट मीटर मेथड में इम्पोर्टेंट क्या है, अलग अलग कंडीशन, या इफेक्ट ऑफ पावर फैक्टर, ये देखिएगा इफेक्ट ऑफ पावर फैक्टर फॉर मेजरमेंट ऑफ टू वाट मीटर मेथड, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए इस तरीके से हमारा क्लास देख रहे हैं, किस तरीके से आपसे पूछेगा, अगर यूनिटी पावर फैक्टर हो तो दोनों वाट मीटर आधा आधा मापेगा, यही से कम कंडीशन होता है ना, सब हमने पढ़ा रखा है ना, सारा इस तरीके से आपने किया हुआ है। ये देखिए, और इसी में न्यूमेरिकल भी है, फटाफट आप लोग देखेंगे न्यूमेरिकल, अभी मैं कुछ न्यूमेरिकल भी करा देता हूं तो वहां से आपको हेल्प मिल जाएगा। देखिए कब क्या होता है, क्वेश्चन भी दिया गया है ना, यहाँ पे देखिए क्या है सर, मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर है ना, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप यहां पे बनाओगे मर्ज प्राइस वाला एग्जांपल है ना। उसके बाद होता है एनर्जी मीटर, एनर्जी मीटर यूनिट फोर, लेकिन हम पहले इसके यूनिट थ्री के क्वेश्चंस करवाते हैं, एक बार आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करिए, फटाफट मामला निकल जाएगा सर, क्वेश्चन कराइए फटाफट फटाफट फटाफट, टाइम एकदम वेस्ट नहीं करने का, टाइम एकदम वेस्ट नहीं करने का, आइए सर टाइम एकदम वेस्ट नहीं करने का। हाँ बना दो, देखो वक्त मिलेगा बेशक बनाइए, फेजर डायग्राम में कुछ भी नहीं है, मैंने तो सर्किट में ही फेजर डायग्राम करवा दिया है सारा थ्री फेज का, तो फेजर डायग्राम बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बनाइए, एकदम मस्ती में बनाइए है ना, फेजर डायग्राम बना सकते हैं सत्यजीत, बिल्कुल। चलिए नौ नौ क्वेश्चन है यूनिट थ्री से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आइए फटाफट फटाफट, यूनिट थ्री का क्या रह गया हमारा, थ्योरी वाला क्वेश्चन हो गया, थ्योरी वाला क्वेश्चन हो गया यूनिट थ्री से, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर लेते हैं, से कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं, यूनिट थ्री से क्या करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं। नहीं आता तो अब पढ़ना भी नहीं सत्यजीत जी, अब पढ़ना नहीं, जितना करा दिया आप उतना लिख के तो आइए, मच मोर सफिशियंट है, क्यों भाग रहे हो कि ये भी करना है ये भी करना है, करने के लिए बहुत चीज है, जितना करा दिया उतना लिख के तो आ जाओ, पहले बर्डन नहीं बनाना किसी चीज को, बर्डन नहीं बनाना, जो नहीं किए उसके पीछे नहीं भागना, जो किए हो उसके पीछे पहले तो भागो, आराम से हो जाएगा पेपर में है ना, अगर हमारा 70 नंबर का है 60 नंबर आ गया बहुत है, कितना परेशान होना है। चलिए बर्डन बनाना नहीं है, पेपरों को बर्डन, पता चला इतना ना पढ़ लिए कि पेपर में क्या लिखना है किसमें यही नहीं दिमाग में, इतना पढ़ लो और इतना भी ना लिख पाओ तो ये बेकार है सर, इतना ही पढ़िए और इतना लिखने की कोशिश करिए, ये सबसे अच्छा मेथोलॉजी होता है चीजों में, एकदम नहीं कि इतना पढ़ लिए कि वो चीज इतना सरदर्दी हो गया कि रिवीजन तक नहीं कर पा रहे हैं तो ये मामला बेकार है, ठीक है ना। चलिए 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 सर, चलिए चलिए सर, जितना
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए नाउ यूनिट थ्री के न्यूमेरिकल्स में मैं क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग फटाफट बताइए। आपसे क्वेश्चन कहता है वी इजकल टू थ्री प्लस फाइव साइन थ्री ओमेगा टी, है ना। इस वेव को पास कराया गया, क्वेश्चन कहेगा इस वेव को पास किया गया एक एडी टाइप वोल्टमीटर से, एडी टाइप वोल्टमीटर से सर, एडी टाइप वोल्टमीटर से, तो बताइए इसकी रीडिंग क्या होगी। ये कितना एक एडी टाइप इंस्ट्रूमेंट को गुजारा गया एक वोल्टेज का वैल्यू है यानी 3 + 5 साइन ओमेगा टी, बताइए उसकी रीडिंग क्या होगी, बताइए उसकी रीडिंग क्या होगी, फटाफट टाइप किए। हाँ अभिलेश, घर का एड्रेस हो पूछ लो, हैं कहाँ सेंटर है। देखो अखिलेश, तब इसका सर्किट थ्योरी कमजोर हुआ है। चलिए चलिए, नहीं सर जी, चलिए ना इसका आंसर करिए फटाफट, फटाफट आंसर करिए, फटाफट आंसर करिए सर। अगर इतना वोल्ट का कोई वेव है और एडी टाइप इंस्ट्रूमेंट से गुजारा गया, बताइए उसकी रीडिंग क्या होगी। चलिए कैमूर, ये अपने में अपने गप्पे मार रहे हो है। चलिए नौ सॉल्यूशन करिए सर। आपको पता है चाहे एडी टाइप बोलता या मूविंग आयरन बोलता, दोनों कौन सा वैल्यू रीड करता है सर, आरएमएस वैल्यू रीड करता है। कौन सा वैल्यू रीड कर लेता है, आरएमएस। तो इसका आई वी आरएमएस निकाल दीजिए, काम खत्म। वी आरएमएस निकालने के लिए ये कौन सा वैल्यू है, डीसी, ये है पीक एसी का, तो 3 का स्क्वायर + 5/√2 का स्क्वायर हो गया आंसर यहाँ पे आपका, बड़ा पढ़ हो गया, सॉल्व कर लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट पूछ है आपसे रीडिंग ऑफ पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग क्या होगी इफ आई इज इक्वल टू 4 + 3 sin ωt passes through it। अगर एक पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट से ये करंट पास कर रहा है तो उसकी रीडिंग क्या होगी, फटाक से सॉल्व करिए जी, फटाक से सॉल्व करिए। फटाफट जवाब दीजिए, रीडिंग दीजिए फटाफट। चलिए जय बाबा रहमान, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ब्रह्म सर ऑब्वियसली क्या क्या वैल्यू माप रहा है, गलत कर रहे हो सब, गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो। कैसे निकालते हो, आपको पता नहीं है, कहाँ हो तुम लोग। सर पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट सिर्फ पीएमएमसी किसको मापता है सर, सिर्फ डीसी को मापता है, किसको मापता है, डीसी को। तो ये वेव क्या है सर, एसी है, साइन ना लगाए जी, और ये क्या है सर, डीसी है। तो पीएमएमसी को से अगर किसी पीएमएमसी से, है ना, ये वाला पीएमएमसी में ये वाला अगर गुजार दूं, ये वाला वेव भी गुजार दूं, तो रीडिंग सिर्फ क्या देगा, 4 एम्पियर। क्यों, क्योंकि सिर्फ डीसी को मापता है। कहाँ हो तुम लोग बताओ, एको को सही नहीं जवाब दिया, एको को सही जवाब नहीं दिया, कहाँ हो तुम लोग।
पांडे जी जवाब दीजिए, सत्यजीत स्ट्रॉन्ग बताइए कैसे गलती करते हो, कैसे काम चलेगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा। मामला गड़बड़ा जाएगा जी, बताइए। इतना सिंपल क्वेश्चन है, 4+4 वाला वैल्यू डीसी है, बाकी है एसी है। और आपको पता है पीएमसी इंस्ट्रूमेंट एसी में आता नहीं, तो डीसी जो है वही रीडिंग है 404 आपका आंसर है। अब आ रहा है जवाब, इतना देर बाद कैसे काम चलेगा बताइए, इतना देर बाद कैसे काम चलेगा। तो चलिए मैं बताता हूँ आप लोगों को ध्यान से, आप लोग न्यूमेरिकल करना, उस पीडीएफ में न्यूमेरिकल भी है, उस पीडीएफ में न्यूमेरिकल भी है, उसको आप लोग अच्छे से करना, ठीक है। ओके अभिजीत सिंह, लव फ्रॉम आसाम, थैंक्स अभिजीत। सो आप लोग इस पीडीएफ को भी करना। अब मैं एक चीज़ खाली बता देता हूँ, यूनिट 4 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारा पीडीएफ में दिया हुआ है, पीडीएफ टेलीग्राम में है, राजकमल सर सॉरी पीडीएफ आपको मिलेगा, इंजीनियर्स ग्रुप राज सर, इंजीनियर्स ग्रुप राज सर या पॉलिटेक्निक करके होगा, उसमें आपको पीडीएफ दिया गया, आप सब उसके करिएगा। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर देता हूँ अब, सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट, क्योंकि मुझे भी बाहर निकलना है। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब करता हूँ, सफिशियंट है, आप लोग फटाफट प्रैक्टिस करिएगा। अब हमारा टारगेट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस SBT फोर्थ यूनिट का है ना, किसका है ये, मेजरमेंट सब्जेक्ट का, मेजरमेंट सब्जेक्ट का। अब फोर्थ यूनिट का मैं दे रहा हूँ आपको, इम्पोर्टेंट क्या क्या रहेगा है ना सर। सबसे पहले इसमें तो एनर्जी मीटर इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इसमें पहला क्वेश्चंस तो एनर्जी मीटर के बारे में, इसमें इसका वर्किंग कंस्ट्रक्शन वर्किंग कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन सारा आपको इसमें दिमाग रखना पड़ेगा है ना सारा। नौ, मीटर कांस्टेंट क्या होता है, मीटर कांस्टेंट क्या होता है आपको इसको भी अच्छे से करना है, यानी के बराबर नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर किलोवाट आवर, इनके बारे में भी चर्चा करना है, इनके बारे में भी आपको चर्चा करना है। ओके नाउ वेट अ सेकेंड, एनर्जी मीटर का मीटर कांस्टेंट पे क्वेश्चन एकदम आएगा, और किताब में पीडीएफ में किया हुआ है, अच्छे से उसको सॉल्व करिएगा, ठीक है। और क्वेश्चन क्या आ सकता है इसमें, पूरा आप एनर्जी मीटर को बढ़िया से करिए, उसी से क्वेश्चन लड़ जाएगा एनर्जी मीटर में। उसके बाद ओवर टेम्परेचर कंपनसेशन, लोड लैगिंग, ये सब चीज़ें आप लोग कर सकते हो। सिंगल फेज एनर्जी मीटर, थ्री फेज एनर्जी मीटर, इसमें तो आपको अच्छे से कर लेना है। सिंगल फेज एंड थ्री फेज, सो चलिए यही सब करिए, बाकी किया हुआ है सब आपस में गप्पे भी मार रहे हो। सो ध्यान रखिएगा, यही सब टॉपिक को करना है, इस पर MCQ वगैरह भी करते रहिए। मेरी कोशिश है कि आप लोग को जितना मैं कर पा रहा हूँ करा दे रहा हूँ, तो आप लोग भी इसको लगातार जुड़ के करते रहिएगा। मेगर आगे वाला यूनिट में, इस चैप्टर में मेगर नहीं है, मेगर हमारा फोर्थ यूनिट, फोर्थ और फिफ्थ आप लोग करेंगे, क्योंकि उसमें RLC ब्रिज भी है ना, CRO है, ये सब इम्पोर्टेंट है, फोर्थ और फिफ्थ में भी आप लोग चले जाओगे है ना। अब देखिएगा, अब आप लोग करिए, क्योंकि वक्त कम है, आप लोग फटाफट जो है उसमें आगे बढ़ते रहिएगा। नाउ नेक्स्ट मैराथन हमारा जो होगा, नेक्स्ट मैराथन जो होगा वो शायद
15 जून को होगा, 15 जून को ये होगा ट्रांसफॉर्मर एंड मोटर का, ट्रांसफॉर्मर एंड मोटर का। ओके नेक्स्ट मैराथन, आई होप बहुत सारा चीज करा रखा हूं। अब मुझके देखो आप लोग, ऐसे मैराथन में क्या होता है, लगातार बोलना ही पड़ता है ना, कल भी क्लास लगातार क्लास और इतने शेड्यूल है, इसके अलावा मुझे भर दिन का शेड्यूल रहता है। सो अब आप लोग करिए, ऐसा नहीं है कि हमने कुछ कराया फिर आप लोग आंसर दो, सब आप लोग बस बैठे रहना है। हाँ तो फिर मैराथन में जितना मैं करवा दे रहा हूँ आप इसी को करिए, फोकस करिए। पीडीएफ बना हुआ, एक होता है कि कोई चीज़ छूटा हुआ है तो चलो कराते रहे, सब चीज़ कराया हुआ है, न्यूमेरिकल अच्छे से करके जाइएगा, ऑब्जेक्टिव वर्टिक लगा लीजिएगा, मामला ख़त्म हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं मोटर और ट्रांसफार्मर में, किस में, मोटर और ट्रांसफार्मर में, उसका तारीख है 15। मैं बता देता हूँ किस तारीख को आप मिलेंगे, अभी से शेड्यूल किया गया है, वेट 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 वेट, मैं चेक कर लेता हूं किस तारीख को है, 16 को, 16 को है हमारा नेक्स्ट मैराथन जो है, 16 जून को है, 16 जून को, 16 जून को है नेक्स्ट मैराथन। ओके मोटर ट्रांसफॉर्मर एंड मोटर का, ट्रांसफॉर्मर एंड मोटर का, तो सभी जुड़ेंगे उस दिन, ठीक है ना। तो मिलते हैं, और एक पीडीएफ इसका, जो भी पीडीएफ ये आप लोग को मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अब हम कब, अब हम मिलते हैं 16 को, ठीक है, मोटर एंड ट्रांसफार्मर में। चलिए एक और अनाउंसमेंट है, एक और अनाउंसमेंट है, ध्यान रखना, फोर्थ सेमेस्टर का क्लास जो है हमारा वो 26 जून से ही स्टार्ट हो रहा है, 26 जून से ऑनलाइन रिकॉर्डेड फॉर्मेट और लाइव दोनों फॉर्मेट में आपके क्लास चलेंगे इंजीनियर्स ग्रुप के ऐप पर, ठीक है, इनका भी ख्याल रख लेना।